हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक खत्म हो जाएगा, एंड आपकी करंट फीलिंग्स भी हम चेक करने वाले हैं। आप जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो उनके करंट फीलिंग्स भी हम चेक करने वाले हैं, एंड उनके कुछ दिनों की रिसेंट कुछ दिनों की एनर्जीज भी हम देखने वाले हैं। ओके, एंड अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रहा था एंड इस बात के बारे में आपको कोई भी पता नहीं था, तो ऐसे में ये भी हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि जेमिनाई है यानी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सेवन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द मून, एंड नेक्स्ट यहाँ पर है टेन ऑफ वांड्स। फाइन, ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वांड्स आया है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, चीज़ें देखो बहुत अच्छी तरीके से सुधरती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, एंड जब भी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा तब से मुझे दिख रही हैं बहुत टाइम तक आप दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ ना पल गुजारने वाले हो। यानी ये जो नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसके लिए ही डिवाइन के द्वारा ही ये क्रिएट किया गया है। तो देखो अभी के लिए यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज दिख रहे हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं, एंड इसके साथ अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी दिख रही हैं। तो सारे टाइप्स के एनर्जी यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं मुझे। तो देखो ये जो फर्स्ट रो आपको दिख रही हैं ये आपकी एनर्जीज को शो कर रही हैं, आपके कुछ रिसेंट दिनों की एनर्जीज को दर्शा रहा है। एंड यहाँ पर ये जो सेकेंड रो दिख रही हैं आपको ये आपकी पर्सन की यानी जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो उनकी एनर्जीज को शो कर रही हैं, उनके रिसेंट कुछ दिनों का एनर्जीज भी आप कह सकते हो। तो देखो फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रही है सेवन ऑफ कप्स से यानी आपके जो फर्स्ट एनर्जी दिख रही है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रही है। यानी आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर थोड़ा सा अभी कंफ्यूज चल रहे हो या फिर कुछ ही दिनों के अंदर चलने वाले हो, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन दिख रही है कि क्या वो इंसान आपके पास वापस आएगा, या फिर क्या वेट करना ठीक हो रहा है, या फिर क्या आपने कुछ गलती किया था जिसकी वजह से आपको ही माफी मांगने जाना चाहिए, आपको ही फर्स्ट स्टेप उठाना चाहिए। तो ऐसे टाइप्स के कन्फ्यूजन, ऐसे टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में मुझे दिख रहे हैं। एंड वहां पर आपके इस पर्सन की एनर्जी आप देख सकते हो जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ये जो इंसान है ये बेहद ज्यादा तरीके से डाउनवर्ड फील करते हुए दिख रहे हैं, रातों की नींद खराब करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपको छोड़कर नहीं रह पा रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, ऐसे टाइप्स की एनर्जीज मुझे आ रहे हैं। कुछ भी करके ये इंसान अपने लव लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं। देखो मुझे दिख रही है जो भी मसला आप दोनों के बीच में पहले हुआ है जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अभी वर्तमान में, तो इससे आपके फैमिली या फिर इनके फैमिली कनेक्टेड दिख रही हैं। यानी फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं मुझे, तो वो प्रॉब्लम्स भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के साथ साथ ही खत्म होने वाला है। एंड देखो ये इंसान देर रात तक आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, आपके पिक्चर्स वगैरह इनके पास अगर हैं तो बहुत ज़्यादा तरीके से देखते हैं, एंड आपके साथ जो भी इन्होंने बातचीत किया है सोशल मीडिया के थ्रू तो वो सब भी बार बार पढ़ते रहते हैं, उन्होंने अभी तक ना कुछ भी डिलीट नहीं किया है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी है द मून, तो ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी ही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। सरफेस लेवल पर लग सकता है कि आप कंफ्यूज्ड नहीं हो, बट आपका मन इस इंसान को लेकर कंफ्यूज्ड दिख रही है मुझे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वाइट एंड ब्लैक के अंदर आप जगल करते फिर रहे हो। कभी इस इंसान के बारे में आपको अच्छे थॉट्स आते हैं तब उस इंसान के बिना आप रह नहीं पाते, दूसरी पल में मुझे दिख रहे हैं उस इंसान के बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आपको चला आता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं ये दूरियां क्रिएट हुआ है, ओके है,
इसको सुधरने की जरूरत नहीं है, ऐसे एक पॉसिबिलिटी भी कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है। तो देखो आपका माइंड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा दिख रही है मुझे ऐसे में, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ही दिनों के अंदर होने वाला है। एंड वहां पर आपके अगेंस्ट जो आपके पर्सन की एनर्जी आई है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान फिर से आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिर से अपना कीमती टाइम हो सकता है, अपना इमोशंस हो सकता है, अपना लव हो सकता है, ये इंसान फिर से आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड इसके लिए ही थोड़ा सा प्रिपरेशन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, एंड खुद को भी स्टेबल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ में ना पूरी तरीके से स्टेबल नहीं थे, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिख रही है। तो ये इंसान ना स्टेबल होकर फिर आपको एक ऑफर देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये चीज ना रिसेंट कुछ दिनों के अंदर ही होने वाला है। इनको हो सकता है कोई नौकरी लगने वाला है, या फिर हो सकता है ये इंसान अपने करियर के साइड से स्टेबल होने वाले हैं, या फिर कुछ चीजों में कॉन्फिडेंट आती हुई दिख रही है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये इंसान ना थोड़ा सा क्लियर होती हुई दिख रही है एंड स्टक एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। लास्ट जो एनर्जी आपकी दिख रही है टेन ऑफ वंड्स का एनर्जी है, तो आप कहीं ना कहीं अपने पेशेंस को लूज करते हुए दिख रहे हो, या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि आपके फैमिली के कोई एक मेंबर आपको ये समझा सकता है कि ये इंसान कभी आपके लाइफ में वापस नहीं आएंगे, या फिर इस इंसान को आप डिजर्व नहीं करते हो, आप किसी बेटर इंसान को डिजर्व करते हो, आपके लिए कोई और बना है। तो ऐसे टाइप्स के जो मैनिपुलेशन है ये भी आपके लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है आपके लव लाइफ के साइड से। तो इस टाइम पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने मन को भी स्पेस देना है, यानी अपने मन के जो इमोशंस है उसका वैल्यू करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपका मन जो भी कह रहा है इस टाइम पर आपको उसको ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान रेडी हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, मन से प्रिपेयर हो रहे हैं। एंड मन से जब इंसान पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाता है तो फिजिकली एक्शन लेने में टाइम नहीं लगता है। एंड यहाँ पर आपके अगेंस्ट जो यहाँ पर एनर्जी आप देख पा रहे हो सेवन ऑफ वंड्स है, ये जो पर्सन है ये अपने सराउंडिंग्स में एक शील्ड क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको पता लग जाएगा कि कोई एक इंसान ऐसा है जो थर्ड पार्टी है एंड आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहा है, साथ में इनको भी कष्ट मिल रहा है। तो ये इंसान खुद को, खुद के हार्ट को, खुद के लव लाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, एंड इसके साथ मैनिफेस्टेशन भी करते हुए दिख रहे हैं कि आप इनके बारे में जो भी गलत फहमियां अपने मन में रखकर बैठे हो, जो भी डाउट्स हैं आपके मन में, आपके दिल में, वो सब अपने आप क्लियर हो जाए, ताकि इनको आपको मनवाने में आसानी हो जाए। ओके, सो ऐसे टाइप्स के एनर्जी ही मुझे दिख रहे हैं एंड ये इंसान डेफिनेटली एक्शन लेने वाले हैं, एक्शन के एनर्जी में ही ये इंसान दिख रहे हैं मुझे, एंड कुछ दिनों के अंदर होने वाला है। सो देख लेते हैं कि कब तक चीजें नॉर्मल हो जाएगा, कब तक ये इंसान आपके पास कुछ प्रपोजल लेकर आएंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रही है कि आप ही रेस्टलेस एनर्जी में जाकर इस इंसान को कुछ प्रपोजल दे सकते हो, बट ये बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है, 5% लोगों के लिए दिख रही है। फाइन, सो यहाँ पर आप देख सकते हो द टावर है। डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर डिवाइन की इन्वॉल्वमेंट मुझे पहले ही दिख रही थी। एंड ओके, देखो यहाँ पर 6 से 16 दिन के अंदर चीजें नॉर्मल हो जाएगा आपकी लव लाइफ में। इस पर्सन की तरफ से कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस आपको रिसीव करने को मिल जाएंगे, एंड कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया 5% लोगों के लिए दिख रहे हैं कि आप ही कॉल टेक्स्ट करने वाले हो। तो चीजें नॉर्मल होती हुई दिख रही हैं 6 से 16 दिन के अंदर। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि 6 से 16 दिन के बाद आपको इनके तरफ से कुछ कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस मिले। अगर आपके लव लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहा था तो ये मसला खत्म होती हुई दिख रही है। एंगेजमेंट का ऑफर या फिर शादी, एक गेट टुगेदर होती हुई दिख रही है, एक सेलिब्रेशन का मौका क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ के साइड से आपके लाइफ में बहुत जल्द। तो आप दोनों का जो मिलन है, आप दोनों का जो मीट करना है, वो एकदम से अनएक्सपेक्टेड वे में होती हुई दिख रही है। आपको जिस साइड से होप भी नहीं रहेगा उस साइड से चीजें ठीक हो जाएगा। सो देख लेते हैं डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको आपके लव लाइफ के लिए। ओके, सो एक कार्ड निकल आया है। ओके, 2 कार्ड्स। फाइन, सो यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज समथिंग बेटर एंड यस, पॉजिटिव आंसर आया है आपके लिए। तो क्वेश्चन तो यही था आप दोनों का रियूनियन होगा कि नहीं। सो यस, यहाँ पर एंजल्स ने ही आपको आंसर दे दिया है, पॉजिटिव आंसर, एंड बहुत ज्यादा खुशहाल तरीके से ये रियूनियन होती हुई दिख रही है। आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होती हुई दिख रही है। देयर इज समथिंग बेटर, सिचुएशन बेटर होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। देख लेते हैं बॉटम द डेक। बॉटम द डेक में है इट्स अप टू यू। अगर आप कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस उस
उस पर्सन को करना चाहते हो तो ये भी आपके ऊपर ही है। अगर आप अभी करोगे तो चीज़ें हो सकता है कि 6 दिन के अंदर ही नॉर्मल हो जाए, क्योंकि ये पर्सन रेडी दिख रहे हैं आपके पास आने के लिए। तो अगर आप कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस रेस्टलेस एनर्जी में जाकर करते भी हो तो भी यहाँ पर मसले नहीं दिख रही हैं। कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी डिपेंड करती हुई दिख रही हैं मुझे, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स की बात यहाँ पर बार बार दिख रही थी मुझे। सो यही है आपके रीडिंग जेमिनाई। सो थैंक यू जेमिनाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।